हेलो गाइस, बर्ड्स के इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बेबी पैरट के प्राइस, फूड, केयर एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कर ले, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि बेबी पैरट का प्राइस क्या है, अपने बेबी पैरट को क्या फीड कराना है और बेबी पैरट की केयर एंड ट्रीटमेंट कैसे करना है। इस वीडियो में आपको बेबी पैरट से रिलेटेड पूरी डिटेल मिलने वाली है, तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेबी पैरट के प्राइस पर बात कर लेते हैं। तो बेबी अलेक्जेंडर पैरट का प्राइस 3000 से 4000 रुपए पेयर चल रहा है। बेबी अलेक्जेंडर पैरट हमें सिर्फ सीजनली ही देखने को मिलते हैं, ये हमें दिसंबर टू मार्च तक ही देखने को मिलते हैं। बेबी रिंगनेक का प्राइस 1500 से 2000 रुपए पेयर चल रहा है। बेबी रिंगनेक पैरट आपको ऑल टाइम मिल जाता है। कॉकटेल, जो कि एक एग्जॉटिक बर्ड है, कॉकटेल के चिक का प्राइस 2500 से 3000 रुपए पेयर चल रहा है और बजीज के चिक का प्राइस 300 रुपए पेयर चल रहा है। तो ये हो गया बेबी पैरट का प्राइस। अब हम बात करेंगे कि बेबी पैरट को क्या फीड कराना है। तो अगर आप नए ऑनर हैं तो आपको पता होना चाहिए बेबी पैरट अपने 3 महीने के एज तक सेल्फ फीड नहीं लेते हैं, हमें उनको हैंड फीडिंग कराना होता है। मार्केट में आपको बेबी पैरट को फीड कराने के लिए कई तरह के हैंड फीडिंग फार्मूला मिल जाते हैं, लाइक केटी, A19, जुप्रीम, रॉयल विंग्स। तो ये सारे हैंड फीडिंग फार्मूला काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, बट अगर आप एक्सपेंसिव हैंड फीडिंग फार्मूला को अफोर्ड नहीं कर सकते तो हैंड फीडिंग फार्मूला आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। इसके लिए कुल्थी का दाल, गेहूँ, मकई को रोस्ट करके देन ग्राइंड कर लेना है, जिसका प्रॉपर वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या तो चने की दाल को बॉइल्ड करके मैश कर लेना है, उसके बाद उसे आप अपने बेबी पर, अगर आपको सिरिंज से हैंड फीडिंग कराने का एक्सपीरियंस ना हो तो स्पून का यूज करके बेबी पैरट को हैंड फीडिंग करा सकते हैं। बट स्पून से हैंड फीडिंग कराने से फीड बेबी पैरट के बॉडी पर गिर जाते हैं, जिसको किसी सॉफ्ट कपड़े से साफ कर देना है। इसके बाद आता है बेबी पैरट की केयर एंड ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो जब हम कोई बेबी पैरट लाते हैं तो उसे हम केज में नहीं रख सकते, अपने बेबी पैरट को एक बास्केट या कार्टन के बॉक्स में रखना है। अगर आप कार्टन का बॉक्स लेते हैं तो उसमें वेंटिलेशन के लिए आमने सामने दो दो होल कर देना है और बॉक्स के अंदर सॉफ्ट कपड़ा या ड्राई नेस्ट डाल देना है। अगर आप अपने बेबी पैरट को रखने के लिए कपड़े का यूज करते हैं तो कपड़े को डेली साफ करना होगा, और अगर ड्राई नेस्ट का यूज करते हैं तो नेस्ट को हर 2 से 3 दिन में चेंज करना होगा। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो नेस्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाता है, जो कि जाकर आपके बेबी पैरट को बीमार कर देता है। इसके बाद कभी भी बेबी पैरट को ठंडे हाथों से टच नहीं करना है और ना ही उसे ज़्यादा डिस्टर्ब करना है। ओनली फीड कराने के लिए उसे बॉक्स से बाहर निकालें। इसके बाद अपने बेबी पैरट को रेगुलर 2 से 2.5 घंटा सन बास्किंग देना है, जिससे बेबी पैरट को विटामिन डी मिलेगा और बेबी पैरट का जो बोन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद कई लोग अपने बेबी पैरट को बाथ दे देते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। जब तक आपका बेबी पैरट 3 मंथ्स का ना हो जाए तब तक उसे बाथ नहीं देना है। इस टॉपिक पर भी वीडियो आएगा, उसके लिए अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने बेबी पैरट को रात के समय बॉक्स में डाल दें, उसके बाद उसको मॉस्किटो नेट से कवर करना है, देन किसी ब्लैंकेट से कवर कर दे, बट यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा ओपन रखना है। और मॉस्किटो नेट से इसलिए कवर करना है क्योंकि एडल्ट पैरट को जब मच्छर काटते हैं तो वो उसे भगा देते हैं, बट बेबी पैरट उसे नहीं भगा सकते, जिससे कि
रात भर मच्छर बेबी पैरेट के बॉडी से खून चूसती रहेंगी, जिससे कि आपके बेबी पैरेट की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद कभी भी अपने बेबी पैरेट को फर्श पर नहीं रखना है, क्योंकि इससे आपका बेबी पैरेट पैरालाइज्ड भी हो सकता है। और ना ही अपने बेबी पैरेट को हैंड पर या किसी हाइट वाली जगह पर रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा करने से बेबी पैरेट मिस्टेकली गिर जाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। और अगर आप बेबी पैरेट लाने की सोच रहे हो तो आपके पास हमेशा ये दो मेडिसिन होनी चाहिए, एक तो नियोपेप्टिन ड्रॉप और दूसरी बाइमरल सिरप। अगर आपको बाइमरल सिरप ना मिले तो A to Z मल्टी विटामिन सिरप भी ले सकते हैं, जो कि किसी भी मेडिकल शॉप पर इजीली मिल जाता है। नियोपेप्टिन ड्रॉप का यूज़ तब करना है जब आपका बेबी पैरेट फीड को डाइजेस्ट ना कर पा रहा हो, तब इसको 2 से 3 ड्रॉप दिन में 2 बार अपने बेबी पैरेट को पिला देना है। बाइमरल सिरप बेबी पैरेट में विटामिन की कमी होने नहीं देता है, जिससे कि आपका बेबी पैरेट हेल्दी एंड एक्टिव रहेगा। बाइमरल सिरप को 2 2 ड्रॉप करके आप अपने बेबी पैरेट के फीड में मिक्स करके खिला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।